रोल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ। तो आज के इस वीडियो में आपके अपने शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर दोस्तों की एकदम यूनिक है। दोस्तों आज का टॉपिक ये है कि स्पेस होता है, जो अंतरिक्ष होता है, वहाँ पे पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते लिखने के लिए, क्या रीज़न है ऐसा। दोस्तों स्पेस में पेंसिल नहीं यूज़ करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। पेन क्यों नहीं यूज़ करते, पेंसिल क्यों नहीं यूज़ करते, क्या रीज़न, नॉर्मल पेंसिल क्यों नहीं, पेन क्यों नहीं यूज़ होता है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, तो आखिर तक देखते रहिए वीडियो, मैं आपको बताऊँगा साइंटिफिक रीज़न। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है कि स्पेस में जो है पेंसिल या नॉर्मल पेन का यूज़ क्यों नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो स्पेस में है जीरो ग्रेविटी है, वहाँ पे कोई ऐसा गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो दोस्तों नॉर्मल पेन यूज़ करने का तो कोई रीज़न ही नहीं है, क्योंकि जो उसमें जो इंक होती है उसका नीचे आना ही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जीरो ग्रेविटी पे कोई इंक का फ्लो होना ही नहीं होता है, तो पेन तो कभी यूज़ होगा ही नहीं। तो पेंसिल क्यों नहीं यूज होती है, उसके पीछे भी क्या रीज़न है। दोस्तों तो पेंसिल नहीं यूज़ होने के पीछे एक रीज़न है कि जो पेंसिल होता है उसमें ना एक ऐसा पार्टिकल होता है, एक ऐसा चीज़ होती है जिसे ग्राफाइट कहते हैं, ग्राफाइट नाम का पार्टिकल होता है। दोस्तों जो पार्टिकल होता है ग्राफाइट, उसमें एक ऐसी कैपेसिटी होती है जिससे वो एक्सप्लोजन भी हो सकता है, उससे फायर भी हो सकता है। एक ऐसा बहुत बड़ा एक साइंटिफिक रीज़न है कि उसमें जो पार्टिकल होते हैं पेंसिल में ग्राफाइट के पार्टिकल होते हैं, जो कि एक्सप्लोजन भी कर सकते हैं, फायर भी हो सकता है उससे, फायर आग भी जल सकती है। और मैं बता दूं दोस्तों कि जो ग्राफाइट नाम का जो पार्टिकल रहते हैं उसके जो इतने बारीक पार्टिकल होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक जो थिंग्स होती हैं उसको प्रॉब्लम दे सकता है, इलेक्ट्रिक जो छोटे छोटे वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है उसको प्रॉब्लम कर सकते हैं उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स से। इलेक्ट्रिक जो इंडक्शन के जो पार्टिकल इंडक्शन में है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे जो इतने इलेक्ट्रिकल थिंग्स रहते हैं। तो एक रीज़न था कि उसके पीछे क्या रीज़न। सारी ज़्यादा बता दूँ कि जो पेंसिल होती हैं वो एक वुडन से बनी होती हैं, जो वुड होता है तो वुड से बनी होने के बाद वुड में भी आग लगने की ऐसी एक संभावना होती है। वुडन जो होता है वुड पार्टिकल से भी आग लग सकती है। दोस्तों एक रीज़न है कि वुड होने में भी आग लग जाती है उसमें, वुड से बने होने की वजह से। तो दोस्तों ये एक रीज़न है। साथ ही एक बता दूँ आपको कि जो पेंसिल होती है उसकी जो टिप होती है वो आप जानते हैं, अगर टूट जाए तो किसी भी ह्यूमन बींग के सांस लेने में प्रॉब्लम हो दे सकती है, किसी के आँख में जा सकती है, किसी के नाक में जा सकती है, किसी के मुंह में भी जा सकती है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से उन्होंने बैन कर दिया, मतलब मना कर दिया पेंसिल को स्पेस में यूज़ करने की वजह से। तो लोगों ने फिर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक ऐसी महंगी पेन का, फिशर पेन नाम की एक स्पेस पेन है जिसका डिस्कवरी किया, इन्वेंशन किया, जो स्पेस में यूज़ की जाती है, जो जीरो ग्रेविटी में भी काम करती है। तो दोस्तों ये था एक बहुत बड़ा रीज़न कि स्पेस में पेंसिल का यूज़ क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नए वीडियो में नए सीक्रेट के साथ में। गुड डे, हैव अ गुड डे।